पेंट में कप बनाना सीखते हैं। कप के लिए सबसे पहले आप एलिप्स टूल का चूज़ कर लें। एलिप्स टूल लेकर यहाँ मैंने देखें ये भी फिल्ड है, मैंने ये पहला ऑप्शन लिया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने ये पहला ऑप्शन लिया और लाइन की विड्थ थोड़ी मोटी रखी मैंने। इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया है। अब इसका ऊपर वाला जो एरिया है, जिसका टॉप एरिया है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर लें। सारे को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा मैंने इसको मूव किया, यहाँ से आप इसका ओवल शेप्ड एरिया डिज़ाइन करें, फिल करें नीचे से इसको, इसका बेस बनाएं, थोड़ा लाइन विड्थ में बढ़ा रहा हूँ, की आपको बताई हुई है कंट्रोल प्लस, काफ़ी मोटी लाइन हो गई। इसको इस तरह से इसका जो हैंडल है वो बना लें। अब लाइन बारीक करते हैं, कोई सा यहाँ से कलर ले लें, लाइन को मैंने सीधा लगाया, एक्यूरेट लाइन आपको याद है शिफ्ट के साथ, इस तरह कर्व दे दें। फिलिंग करूँगा इसके अंदर, इसके बाद स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट को प्रेस करेंगे। सारे को सेलेक्ट किया मैंने, थोड़ा छोटा कर लिया है, कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा इसको भी छोटा कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट किया, इस तरफ रखें। सारे को मैंने सेलेक्ट किया, उठा के यहाँ ले जाएं। सारे को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं, एक कर्व बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आपको याद है शिफ्ट के साथ, मैंने कर्व दिया। राइटिंग करता हूँ, अब गौर करें ये इस वक्त आपके मुख्तलिफ टूल्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है। सो मैंने यहाँ पे कप टाइप किया, राइटिंग बॉक्स ज़रा बड़ा करते हैं, इसका फॉन्ट बड़ा करते हैं, साइज़ यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, कई बार क्लिक करूँगा, सेट करूँगा इसको, मूव करके यहाँ ले आता हूँ, जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ लगा लें। सो ये आपका एक कप तैयार हुआ। सो ये देखें, मैंने कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट कप्स तैयार कर लिए हैं, बट रियल लाइफ में इस तरह से नहीं होता, कंप्यूटर लाइफ में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विच यू कैन इमेजिन। सो देखें, कप्स तैयार हो गए हैं।